पेशे से वकील, दृष्टिकोण से हिंदू विचारक, राजनीति से समर्पित भाजपा नेता, जाति से एक दलित नेता, श्री रामनाथ कोविंद की जीवनी किसी गाथा से कम नहीं है। रामनाथ कोविंद का जन्म कानपुर देहात की डेरापुर तहसील के गांव परोंख में 1 अक्टूबर 1945 को हुआ। उनके पिता मैकुलाल एक किसान थे, जबकि उनकी माता का नाम कलावती देवी था। श्री कोविंद दलित समुदाय कोली से संबंधित हैं। उनका बचपन घोर गरीबी में बीता। घर के नाम पर उनके पास घास फूस की बनी एक झोपड़ी थी। बरसात के दिनों में यह बुरी तरह से टपकती थी। बारिश होने पर झोपड़ी की छत पानी को रोक नहीं पाती। वे सब भाई बहन कमरे की दीवार से लगकर बारिश रुकने का इंतजार करते थे। श्री कोविंद ने कानपुर से हाई स्कूल और कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी। पहले और दूसरे प्रयास में नाकाम रहने के बाद तीसरी बार में उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन अच्छी रैंक न मिलने के कारण आईएएस के बजाय उनका एलाइड सेवा में चयन हुआ, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने वकालत को पेशा चुना। एलएलबी की डिग्री लेने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। वकालत में सफलता मिली तो 1971 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो गए। 1977 से 1979 तक दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील रहे। फिर सर 1980 से 1993 तक सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील रहे। इस दौरान सन 1977-78 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव भी रहे। राष्ट्रपति कोविंद वर्ष 1991 में बीजेपी में शामिल हो गए। 1998 से 2002 तक बीजेपी दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वह ऑल इंडिया कोली समाज के भी प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर सेवाएं भी दीं। वर्ष 1994 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 1994 से 2006 तक श्री कोविंद राज्यसभा के सदस्य के रूप में बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 8 अगस्त 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। जुलाई 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया।